गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हाइड्रोडायनेमिक से मतलब है फ्लूइड्स इन मोशन। तो ये सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। What is an ideal fluid? So a fluid is said to be ideal. Fluid is said to be ideal. If it is incompressible, मतलब उसकी density जो है वो constant रहे। डेंसिटी कॉन्स्टेंट। नंबर टू, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी जीरो। नंबर थ्री, इररोटेशनल। इररोटेशनल में व्हील प्लेस्ड। इन लिक्विड शुड नॉट रोटेट। अगर हम कोई लिक्विड मूविंग फ्लूइड में रखें तो वो रोटेट ना करे, देन इट इज इररोटेशनल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो हैं क्राइटेरिया है आइडियल फ्लूइड के, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। देन कम्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Now, according to this, mass of fluid entering per second equals to mass of fluid exiting per second. ठीक है, तो जितना मास पर सेकेंड एंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकेंड लीव करेगा। नाउ मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू डीएम बाय डीटी। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरफ एंट्री है, एक तरफ एग्जिट है। ये इस तरफ यू की स्पीड से है, इस तरफ ये वी की स्पीड से है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस तरफ का स्मॉल ए और इस तरफ का है कैपिटल ए। स्मॉल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एंड वन, और कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एंड टू। ठीक है जी, तो ये साइड है एंड वन, ये है एंड टू।
N1 and N2। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो आइए देख लेते हैं एक बार। डीएम बाई डी टी की वैल्यू देखते हैं। डीएम बाई डी टी एट एंड वन, दिस इज इक्वल टू रो वन ए एंड यू। ठीक है, ऑल्सो डीएम बाई डी टी एट एंड टू, रो टू कैपिटल ए एंड वी। According to equation of continuity, dm by dt at 1 is equal to dm by dt at n 2. Therefore, rho 1 a u is equal to rho 2 a v. Rho 1 is equal to rho 2 as liquid is incompressible. Therefore, A into U is equal to capital A into V. ठीक है, तो इसमें हम एक टर्म नोट करते हैं कैपिटल U, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी Q इज इक्वल टू स्मॉल ए यू कैपिटल ए वी, ये आ जाता है। इफ एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इज बेस्ड ऑन conservation of mass. See, conservation of mass principle, जितना mass per second enter कर रहा है उतना ही mass per second यहां से leave करेगा। ठीक है जी, यहां check कर लीजिए। इसमें सबसे पहले हमें ideal fluid ध्यान रखना है। उसकी तीन condition, incompressible, non viscous, irrotational। फिर हम बात करते हैं equation of continuity की। तो इसके अंदर जितना मास पर सेकंड फ्लूइड का एंटर करेगा उतना ही मास लीक करेगा। मास पर सेकंड जो है उसकी वैल्यू है डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। तो इस एंड पे रो वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, दूसरे एंड पे रो टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल है। रो वन रो टू बराबर है बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ए इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू वी आ गया। इसको हम क्यू भी बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ए यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इट इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। An incompressible liquid yes, equation of continuity is applicable to same area of cross section also. Area of cross section same हो जाएगा अगर, तो velocity भी same हो जाएगी।
एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब. As shown. Then velocity v of fluid is. ठीक है, ये इस टाइप से आएगा हमारे पास. ठीक है जी, इस साइड पे ये एरिया है ए और वेलोसिटी इस तरफ से है 3 मीटर पर सेकेंड. ये इस साइड का एरिया है 1.5 a. ठीक है, और सॉरी ये है एरिया ए और वेलोसिटी है यहाँ की 1.5 मीटर पर सेकेंड. इधर का एरिया है 1.5 a, वेलोसिटी है v. ठीक है, तो ऑप्शन आएगा इसके 3 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस. तो अब इसके अंदर क्या है कि एंट्री एक है, एग्जिट दो है. जितनी एंट्री है Q1 और ये है Q2 प्लस Q3, तो ये आ जाए एरिया इंटू वेलोसिटी. इधर भी आएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी. ठीक है जी, तो ये एरिया कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे, 1.5 प्लस 1.5 वी, 3 माइनस 1.5, 1.5 वी, ये आ गया 1.5 इक्वल 1.5 वी, 1 मीटर पर सेकेंड. तो इसके अंदर सी इज द ऑप्शन. ठीक है, जितना एंटर कर रहा है और जितना लीव कर रहा है टोटल वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. इन गिवन फिगर वेलोसिटी v3 इज, तो इसके अंदर भी इसी तरह से चलेगा ये. A1 एरिया इज 0.2 मीटर स्क्वायर, A2 इज ऑल्सो 0.2 मीटर स्क्वायर, देन एरिया A3 इज 0.4 मीटर स्क्वायर. इस तरफ है V3 और इस तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन है 0, 4, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड. अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी लगाते हैं इसके ऊपर. दिस इज Q1, Q2 प्लस Q3. दिस इज A1 इनटू वेलोसिटी V1, A2 इनटू V2, A3 इनटू V3. A1 इज 0.2, वेलोसिटी है 4. A2 0.2 इनटू वेलोसिटी है 2. A3 0.4, वेलोसिटी है V3. 0.8, 0.4, 0.4 V3, जाएगा 0.8 माइनस 0.4, 0.4 V3,
0.4 इज इक्वल टू 0.4 V3, कैंसिल हो गया, V3 की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। सेम उसी पैटर्न पे गया, इसको भी सॉल्व। Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, Q होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वो बराबर कर दिया हमने सबका। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड, ब्लड इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इन अ कैपिलरी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जीरो पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर। The velocity of flow in millimeter per second is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, ये इसमें मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर बात कर रहे हैं। तो यूजिंग Q is equal to area into velocity. तो Q की वैल्यू आपको गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको आप is equal to area, कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, तो ये U की वैल्यू आ जाती है 200 सेंटीमीटर क्यूब बाय 0.5 मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये वैल्यू बन जाएगी 400 सेंटीमीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। और जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड। तो ये वैल्यू आएगी 400 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/100 इंटू 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, दिस इज 0.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास, चेक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 cm² वन एंड ऑफ विच has 40 fine holes each of area 10⁻⁸ meter square. If liquid flows inside tube
with a speed of 0.15 meter per minute. The speed with which liquid is ejected through holes is 50 meter per second, 5 meter per second, 0.05 meter per second, 0.5 meters per second. ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है स्प्रे पंप की, जिसमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का. एक एंड पे 40 फाइन होल्स हैं, हर एक का एरिया 10^-8. अगर लिक्विड अंदर इतने मीटर पर स्पीड से फ्लो कर रहा है, द स्पीड विथ विच लिक्विड इज इजेक्टेड थ्रू होल्स, तो कैपिटल ए एक साइड इट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक साइड पे जो U है वो है 0.15 मीटर पर मिनट, और स्मॉल एरिया -8 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी बतानी है हमें, नंबर ऑफ होल्स कितने हैं 40. ठीक है जी, तो इसको आपको कैसे करना है, कैपिटल ए यू एंड स्मॉल ए वी, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.15 मीटर पर मिनट, 40 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर इंटू वी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, एक मीटर में ये इसको मीटर में ही कैलकुलेशन करनी है, तो 0.15 मीटर बाय 40 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर मिनट. ठीक है, एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट पे कैलकुलेशन लिख लेते हैं हम इसमें, V इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.15 मीटर, 40 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर मिनट. ठीक है जी, तो ये आ गया 8-2 मीटर का स्क्वायर इंटू 0.15 मीटर बाय 4×10^-7 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 60 सेकेंड्स. ठीक है जी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 8×10^-4 मीटर क्यूब, 4×10^-7 मीटर स्क्वायर इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये वी की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज 2×10^3 0.15 मीटर बाय 60 सेकेंड, तो वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 150/60 मीटर पर सेकेंड. सो वी इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको, ऑप्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड बी पार्ट, कैलकुलेशन ठीक होगी तो सब ठीक जाएगा. ठीक है जी, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है कि क्यू जो है वो सेम है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा, तो वी निकालना है. अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है आपकी, यूनिट्स ढंग से प्लेस करनी है, कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, ये मूव करते हुए यहाँ पे सारी कैलकुलेशन चल रही है इस पार्ट की. ठीक है जी, कैलकुलेशन अगर ठीक से आती होगी तो सब चीजें सही से हो जाएंगी. नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट हेडिंग है इसकी प्रेशर एनर्जी। इसमें क्या कंसीडर करते हैं हमें कंटेनर, यहां पर एक ये पिस्टन है हमारे पास, फोर्स लग रही है इस पे एफ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है E, इसमें लिक्विड फील्ड है। एट बॉटम ऑफ कंटेनर नियर पिस्टन प्रेशर ऑफ लिक्विड इज पी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज ए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। नाउ लेट फोर्स एफ बी अप्लाइड टू पिस्टन सच दैट पिस्टन डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स। मान लिया हमने यहां पे कुछ हल्का सा फोर्स लगाया जिससे पिस्टन डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस हो गया, देयरफॉर वर्क डन is equal to F delta X as pressure जो है that is F by A, F की value आ जाएगी P into A, therefore work done is P A delta X। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये A delta X जो है इसको हम volume से relate कर देंगे, वर्क डन इज पी ए डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारे पास। हियर ए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी स्मॉल वॉल्यूम, देयरफॉर वर्क डन आ गया मेरे पास पी डेल्टा वी। This work done gets stored as pressure energy। ठीक है जी, therefore pressure energy जो है को हम लिख सकते हैं ऐसे, it is P pressure into delta V, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिटन एज प्रेशर, ये भी आ गया। प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वी गेट प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is known as pressure। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ठीक है, आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक बर्नौलिस प्रिंसिपल। नाउ इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ए मूविंग फ्लूइड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ मूविंग फ्लूइड sum of kinetic energy of fluid, gravitational potential energy of fluid and pressure energy of fluid remains constant. ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ए मूविंग फ्लूइड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, आइए इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे करनी है। हाउ टू डिराइव, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। Consider a pipe of variable cross section having area A1 at end 1 and area A2 at end 2. And an ideal fluid is moving through it. ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड उसमें से मूव कर रहा है। अब इसको एक बार हम यहां बना लेते हैं। ये है जैसे ठीक है, ये पोर्शन ले लेते हैं हम पी क्यू और इधर भी है ये आर से एस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पी क्यू आर एस। ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया इधर हाइट। सो दिस हाइट इज H1, दिस हाइट इज H2। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया A1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया A2। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज P1, इधर से इधर जो प्रेशर लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा ऐसे P2। दिस इज P1, दिस इज P2। ठीक है, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। और यहाँ पे आप ऐसे भी शो कर सकते हो, जो स्पीड है वो इस तरफ से है U1 और इधर से दिखा सकते हैं हम स्पीड जो है दैट इज U2। ठीक है जी,
U1 and U2. So initially liquid is between P and R. P से R के बीच में है. Now in time delta T, P moves to Q. ठीक है, P से Q तक आ गया and PQ की वैल्यू आ जाएगी U1 डेल्टा T, वॉल्यूम इन PQ इज एरिया A1 इंटू U1 डेल्टा T. ठीक है, एरिया इंटू लेंथ ये आ गया हमारे पास. अब आगे बढ़ते हैं, तो P Q पे आ गया एंड इन टाइम डेल्टा T सेम टाइम में R moves to S. Therefore RS जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी U2 into delta T. ठीक है जी, ये आ गया. Therefore volume जो है in RS is equal to A2 U2 delta T. ये आ गया हमारे पास. Clear? As वॉल्यूम जो है वो बराबर है दोनों में, वॉल्यूम इन PQ इज इक्वल टू वॉल्यूम इन RS. इट इंप्लाइज A1 U1 डेल्टा T इज इक्वल टू A2 U2 डेल्टा T. दिस इज इक्वल टू डेल्टा V. एंड लेट डेल्टा M इज इक्वल टू मास of portion of PQ and which is also equal to mass of portion of RS. Delta M will be equal to rho delta V. Rho is density, delta V is volume. Now using work energy theorem, work energy theorem देख लेते हैं कैसे चलती है. Work done by pressure equals to change in kinetic energy of fluid plus change in gravitational potential energy of fluid. ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं. This is P1 into A1 V1 U1 मतलब delta T minus P2 A2 U2 delta T equals to half. इसको काम करते हैं, next उस पर करते हैं. ठीक है जी, next slide पे इसको show करते हैं. आइए, work done by pressure is P1 A1 U1 delta T minus P2 A2 U2 delta T is equal to half delta M U2 square minus half delta M U1 square plus delta M G H2 minus delta M G H1. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. तो ये वर्क डन बाय प्रेशर है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर ये आ जाता है P1 इंटू डेल्टा V, क्योंकि हमने अभी A1 U1 डेल्टा D को डेल्टा V लिखा था यहाँ, माइनस P2 डेल्टा V इक्वल्स टू हाफ डेल्टा M U2 square minus U1 square plus delta M G H2 minus H1. P1 minus P2 delta V half
डेल्टा एम यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर प्लस डेल्टा एम जी एच टू माइनस एच वन। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये डेल्टा एम बाय डेल्टा वी देख लेते हैं कितना है। हाफ डेल्टा एम बाय डेल्टा वी इज नोन एज रो, डेल्टा एम बाय डेल्टा वी इज नोन एज डेंसिटी, तो आ जाएगा रो इंटू यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। ठीक है, तो इस केस में यह आएगा पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो यू टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो यू वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। देयरफॉर वन वाले सारे एक तरफ ले आते हैं, हाफ ऑफ रो यू वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, ये आ गया पी टू प्लस हाफ रो यू टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। देयरफॉर इसके हिसाब से ये टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों तरफ का कॉन्स्टेंट है। दिस इज हाफ प्लस हाफ ऑफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो P है दैट इज नोन एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद ये हाफ रो यू स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद ये आ गया रो जी एच, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ऑल्सो अगर इस सबको हम रो जी से डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रो और जी से, देयरफॉर वी गेट पी बाय रो जी प्लस यू स्क्वायर बाय टू जी प्लस एच, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इस केस में P by rho g is known as pressure head, u square by 2g is called velocity head, or capital H is known as gravitational head. ठीक है, और ये conservation of energy principle पे based है, total energy conserved है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी के एक दो केसेस और देखते हैं। केस वन, व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, देयरफॉर यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर पी वन प्लस रो जी एच वन P2 plus rho g h2, P1 minus P2 is written as rho g h2 minus h1. ठीक है जी, ये आ गया। अब केस टू, when height is same, h1 is equal to h2, therefore P1 plus half rho U1 square is equal to P2 plus half rho U2 square, है ना? H1 और H2 बराबर है, P1 minus P2 इसकी वैल्यू आ जाएगी half rho U2 square minus U1 square। आप चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे देख लेते हैं हम लोग।
चेक कर लीजिए इसको, इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं एट टू पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, कैरिंग वॉटर, द रेडियाई आर 1 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम The pressure difference between these points is 4 centimeter of water head. Let's see. 4.9 centimeter of water. Water column. Now, how much liquid flows through tube per second? ठीक है जी, ऑप्शन है इसके 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यूजिंग बर्नौलीस इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो U1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ रो U2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि हाइट रिमेन्स सेम। ये आ गया यहाँ पे। ऑल्सो क्यू इज इक्वल टू A1 U1 इज इक्वल टू A2 U2। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से U1 और U2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड A1। P2 प्लस हाफ रो क्यू बाय A2, therefore ये आ जाएगा P1 प्लस क्यू स्क्वायर रो बाय 2 A1 स्क्वायर, P2 प्लस क्यू स्क्वायर रो बाय 2 A2 स्क्वायर। ठीक है जी, therefore यहाँ पे A1 है ज्यादा है, तो अगर A1 की वैल्यू ज्यादा है तो ये पूरी टर्म कम हो जाएगी, P1 बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर रो बाय 2, 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो P1 माइनस P2 है वो है H रो G। ये एक सेकंड, यहाँ पे जो H रो G आएगा वो हाइट ऑफ वॉटर कॉलम रो ऑफ वॉटर कॉलम इनटू जी, ये आएगा क्यू स्क्वायर रो बाय 2 1 बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 बाय A1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। तो ये वैल्यू कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सारा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, रो ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू जी, दिस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2, और यहां भी वाटर ही है तो वाटर का आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 बाय A2 का स्क्वायर, व्हिच इज 0.4 का स्क्वायर,
16 माइनस 1 नीचे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.949 × 980, ठीक है, ये आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2। जाएगा 100/16 माइनस 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर 5, देयरफॉर क्यू स्क्वायर आ गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल, ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर 4। क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पहले देखते हैं कितनी है, 49 × 980 × 2 × 16 / 100 − 16, दिस इज इन सेंटीमीटर 4 π sec². ठीक है जी, तो ये क्यू की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 49 × 20 × 32 / 84 अंडर दी रूट, ठीक है जी, ये वैल्यू बनती है यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार, क्या इसके अंदर आंसर बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, Q is equal to under root 49 × 49 × 20 × 32, by 84 आएगा सेंटीमीटर 1 सेकेंड, ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय एरिया का स्क्वायर है ना, एरिया के स्क्वायर में सेंटीमीटर की पावर 4 आनी चाहिए, 1 सेकेंड, क्योंकि एरिया तो ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये सेंटीमीटर की पावर 4 है इधर, अगर ये फिर हो गई सेंटीमीटर की पावर 7, तो ये आएगा सेंटीमीटर की पावर 7, ये आएगा 6, सेंटीमीटर की पावर 6, ठीक है जी, ये अंडर रूट में आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो क्यूब आ जाएगा 49 बाहर कर लीजिए, तो ये आएगा 20 × 2 × 16 / 84, 49 × 4, 40 / 84, 49 × 4, 4 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 98 × 2 बाय ये अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेते हैं, √2, ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं कितना आता है, 196 / √2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 196 / 1.414, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 138 m/s, ठीक है जी, चेक कर लो, इस तो आसपास कहीं आ नहीं रहा इसके कुछ ये, ठीक है, बट एनी हाउ हमारा आंसर अभी यही है, कैलकुलेशन अगर सारी ठीक है तो देन आवर आंसर इज आल्सो राइट, ठीक है जी, आप चेक कर लीजिएगा इसको, 196 / 1.414
138 ही आता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर सारी कैलकुलेशन ओके है दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू।